आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेवन विज्ञान सब्जेक्ट का अध्याय नंबर 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले देखो कि दैनिक जीवन में हमें अनेक अपने आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में से एक या एक से अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी माताजी आपके शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती हैं। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमाना एक अन्य परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो सकता है। दूध का खट्टा होना भी एक रासायनिक एक परिवर्तन है। खींचा हुआ रबर बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ऐसे 10 परिवर्तन की सूची बनाइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। इस अध्याय में कुछ क्रियाकलाप करके इन परिवर्तनों की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। व्यापक रूप से ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। अब देखो सबसे पहले कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। क्रियाकलाप 5.1। अब देखो कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। एक अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 भागों 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को स्पर्श अथवा फर्श या किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले। स्पष्ट रूप से आप टुकड़े को पुनः जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, लेकिन क्या कागज के गुणों में कोई परिवर्तन हुआ? अब देखो सबसे पहले क्रियाकलाप 1 में क्या करना है, हमें एक कागज के टुकड़े को लेना है, उसे क्या करना है, 4 भागों में काट देना है। अब फिर क्या करना, एक भाग के 4 टुकड़े करने हैं और फिर इन्हें क्या करना है, एक फर्श पर या मेज पर रखकर उनके आकार को देखना है। तो हम देखते हैं जो मूलतः कागज था उसका आकार और इसको काटे गए टुकड़े के भागों का आकार एकदम बराबर या उसके आकार समान है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जो उसका रंग है वो भी मूल आकार या मूल कागज के समान है। अब देखो क्रियाकलाप 5.2। अपनी कक्षा के चौक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चौक पाउडर को एकत्र कर लें अथवा चौक के एक छोटे टुकड़े का चून पाउडर बना लें। इस पाउडर में थोड़ा जल मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे चौक के आकार में बेलनाकार बेलकर सुखा दें। क्या आप चौक के चून से फिर चौक बना सकते हैं? अब देखो दो क्रियाकलाप में क्या करना है, हमारे कक्षा के जो चौक बोर्ड है ब्लैक बोर्ड है उसके आसपास जो चौक का पाउडर है उसे एकत्रित करना है। उसके बाद उसे भिगोकर पेस्ट बना लें और फिर उसे बेलनाकार किसी भी आकार के पात्र में रखकर और उसके जो कुछ समय बाद उसे सुखा देना है। तो इस प्रकार हम क्या चौक को दोबारा से बना सकते हैं। अब देखो क्रियाकलाप 3 में क्या है, 5.3 में क्या करना है, कागज या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ दीजिए। बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब आप पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकरण मिश्रण बर्फ और नमक में रख दें। क्या जल फिर से ठोस बन गया है? क्रियाकलाप 5.4। एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है? उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। बर्तन की भीतरी सतह को देखिए। क्या आपको वह जल की कोई बूंद दिखाई देती है? अब देखो क्रियाकलाप 5। अब इसमें क्या करना है, उपयोग किए जा रहे लोहे की आरिस के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। ब्लेड के मुक्त सिरे के अगले भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर रखिए। कुछ मिनट बाद प्रतीक्षा कीजिए। क्या ब्लेड के अग्र भाग के रंग में कोई परिवर्तन होता है? ब्लेड को ज्वाला से हटाइए। कुछ समय बाद अगर आग को पुनः देखिए, क्या इसका पहले वाला रंग वापस आ जाता है? क्रियाकलाप 5.1 और 2 में आपने देखा कि कागज तथा चौक के अमाप साइज में हो परिवर्तन हो जाता है। और क्रियाकलाप 5.3 और 4 में जल की अवस्था परिवर्तित हो जाती है, ठोस से द्रव अथवा गैस से द्रव। क्रियाकलाप 5.5 में आरी के ब्लेड का रंग गर्म कण पर परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ के आकार अमाप साइज रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है और ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अब देखो भौतिक परिवर्तन से पहले देखो भौतिक गुण क्या है। देखो पदार्थ के जो आकार है साइज है रंग है और अवस्था में ऐसे परिवर्तन उसके क्या कहलाते हैं, भौतिक गुण। और वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन क्या है, एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो दोनों दिशाओं में चलती है। भौतिक क्रियाकलाप से उत्पाद, उत्पाद से वापस क्रियाकलाप को बनाया जा सकता है और ऐसे पदार्थ से जो है कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता है। अब देखो
अब दूसरे प्रकार के परिवर्तन के विचार करेंगे। दूसरे प्रकार का परिवर्तन कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। अब ये क्या होता है रासायनिक परिवर्तन? तो देखो, लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें आप भली भांति परिचित है। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दे तो इस पर भूरे रंग की रंग की परत जम जाती है। यह पदार्थ जंग कहलाता है और यह प्रक्रम जंग लगना कहलाता है। पार्क अथवा लॉन आदि के लोहे के दरवाजे अथवा बगीचों का या पार्क आदि में रखी लोहे की बेंच और लोहे की लगभग कोई भी वस्तु जो खुले में है, खुले में रखी रहती है, में जंग लग जाती है। आपने देखा होगा, देखो लोहे पे जंग लगना, जैसे ये जो लोहे के जो बर्तन है उसमें लोहे की वस्तु में लगी जंग, कि घर में रखी कुल्हाड़ी या थोड़ा आदि को वायु में कुछ दिनों तक खुला रख देने पर उसमें जंग लग जाती है। रसोई में लोहे का गीला तवा कुछ समय तक खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है। जंग लोहे लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ लोहे से भिन्न होती है जिस पर यह लगती है। आइए हम कुछ ऐसे परिवर्तनों पर विचार करें जिनमें नए पदार्थ निर्मित होते हैं। अब देखो क्रियाकलाप 5.6, सावधानी रखनी है क्या शिक्षक द्वारा निर्देशित किया जाने के लिए। पहला है कि मैग्नीशियम के जलते समय फीते या तार की क्या है और की लंबाई अवधि तक देखना हानिकारक होता है। शिक्षकों को बच्चों को बताना चाहिए कि वे जलते हुए मैग्नीशियम की और अधिकतम समय टकटकी लगाकर ना देखें। अब देखो क्रियाकलाप मैं देखो मैग्नीशियम की क्या है। पतली पट्टी फीता अथवा तार का टुकड़ा लीजिए और इसमें सिरे को रेजमाल से साफ कर दीजिए। तो ये जो जलता हुआ जो दिख रहा है आपको वो क्या है? मैग्नीशियम रिबन है और इसको जलने पर क्या होती है? श्वेत प्रकाश दिखाई देता है। अब देखो साफ कर लीजिए और फिर क्या करना है? एक सिरे को मोमबत्ती गिलो के पास लाइए। यह चमकदार श्वेत सफेद प्रकाश देती हुई जलने लगेगी। पूरी तरह जलने के बाद कुछ श्वेत भस्म पाउडर शेष रह जाती है। क्या भस्म मैग्नीशियम के फीते जैसी लगती है? इस परिवर्तन को निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब देखिए ध्यान देने दे कि यहाँ लिखी गई समीकरण गणित में प्रयुक्त समीकरणों से भिन्न है। इस प्रकार के समीकरणों में तीर का अर्थ बनना या हो जाता है। इस पुस्तक में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है और ना ही यह छात्रों से अपेक्षित है। अब देखो जो भस्म राख है उसको एकत्रित करके इसमें जल की कुछ मात्रा मिलाइए। मिश्रण जलीय विलयन को अच्छी तरह हिलाइए। मिश्रण का लाल और नीला लिटमस पत्र से परीक्षण कीजिए। क्या मिश्रण लाल लिटमस को नीला कर देता है? क्या मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है? इस परीक्षण में के आधार पर आप जलीय विलयन को किस रूप में वर्गीकृत करेंगे? अम्लीय अथवा क्षारीय? भस्म को जल में घोलने पर एक नया पदार्थ बनाती है। इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा लिखा जा सकता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस जल H2O मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2। जैसा कि आप अध्याय 4 में पढ़ा था कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, अतः मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अन्य नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में घोलने पर बनता है। क्रियाकलाप 5.7, शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए कांच के एक गिलास या कटोरे अथवा चौड़े मुंह की बोतल में लगभग आधा कप पानी लेकर उसमें एक चम्मच कॉपर सल्फेट नीला थोथा घोल दीजिए। इस विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। आपको नीले रंग का विलयन मिल जाएगा। एक परख नली अथवा कांच की छोटी बोतल में विलयन का थोड़ा सा नमूना बता लीजिए। शेष विलयन में एक कील अथवा प्रयोग किए जाने जा चुके ब्लेड का टुकड़ा लीजिए, डाल दीजिए। लगभग आधे घंटे तक प्रतीक्षा कीजिए। अब विलयन के रंग को देखिए। इसकी तुलना अलग से बचाए गए नमूने वाले विलयन के रंग से कीजिए। अब देखो हमें क्या करना है। एक कॉपर सल्फेट विलयन नीला थोथा जिसे कहते हैं उसे लेना है। उसके अंदर हमें क्या करना है? एक लोहे की ब्लेड को डालना है और जैसे ही हम लोहे की ब्लेड नीले थोथे में डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? हल्का हरा। और ये जो विलयन बनेगा वो क्या होगा? आयरन सल्फेट, जिसमें आयरन क्या कॉपर को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह पे आ जाता है। और इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जिसमें क्या है? रंग में जो परिवर्तन हो रहा है रासायनिक गुण में भी परिवर्तन दिखाई देता है। क्या आपको विलयन के रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? कील अथवा ब्लेड का बाहर निकाल लीजिए। क्या इनमें कोई परिवर्तन दिखाई देता है? आपको जो परिवर्तन दिखाई देते हैं वे कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच अभिक्रिया के कारण होता है। विलयन के रंग का नीले से हरा हो जाना एक नए पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण होता है। लोहे की कील पर भूरा निक्षेप कॉपर या तांबे की परत के कारण होता है जो एक अन्य नया पदार्थ है। हम इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट विलयन CuHO4 नीला थोथा प्लस लोहा Fe आयरन सल्फेट विलयन FeSO4 हरा प्लस कॉपर भूरा विक्षेप। क्रियाकलाप 5.8, किसी परख नली में लगभग एक चम्मच सिरका लीजिए। इसमें चुटकी भर खाने का सोडा डालिए।
आपको एक बुदबुदाहट की ध्वनि सुनाई देगी और गैस के बुलबुले बाहर निकलते दिखाई देंगे। इस गैस को चित्र 5.5 में दिखाई गई अवस्था व्यवस्था के अनुसार ताजे बने चूने के पानी में से गुजारिए। चूने का पानी तैयार करने की विधि अध्याय 4 में बताई गई है। चूने के पानी में क्या परिवर्तन होता है? परख नली में निम्न परिवर्तन निम्न प्रकार से होता है। सिरका एसिटिक अम्ल प्लस खाने का सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बराबर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस अन्य पदार्थ। अब देखो हमें क्या करना है, एक सिरका और खाने का सोडा लेना, दोनों ही अम्ल और सार है और जब इनके बीच में क्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है? CO2 निकलती है। और इस CO2 गैस को हमें क्या करना है, एक नली की सहायता से दूसरी परख नली में डाले गए चूने के पानी में प्रवाहित करना। और जैसे ही हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे तो इसका जो चूने का रंग है वो कैसा हो जाता है? दूधिया रंग हो जाता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है जिसमें क्या बनाई होता है, जैसे कार्बन डाइ गैस और चूने के बीच जो क्रिया अभिक्रिया हुई है उसके निम्न प्रकार है। देखो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस चूने का पानी CaOH2, तो क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल H2O। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मानक परीक्षण है। आप इसका उपयोग अध्याय 6 में यह दिखाने के लिए करेंगे कि हम श्वसन में जो वायु बाहर निकालते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। क्रियाकलाप 5.6 से 5.8 में आपने देखा कि प्रत्येक परिवर्तन में एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं। क्रियाकलाप 5.6 में मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर बनने वाली भस्म एक नया पदार्थ थी। क्रियाकलाप 5.7 में कॉपर सल्फेट की लोहे के साथ अभिक्रिया से आयरन सल्फेट और कॉपर बनते थे और ये दोनों नए पदार्थ थे। कॉपर लोहे के ब्लेड पर निक्षेपित हो गया था। क्रियाकलाप 5.8 में सिरका और खाने के सोडे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनी थी जिसमें चूने के पानी को दूधिया कर दिया था। क्या आप इस अभिक्रिया में बनने वाले नए पदार्थ का नाम बता सकते हैं? तो देखो कि वह परिवर्तन जिसमें जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन, और रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखो रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। उदाहरण के लिए भोजन का पाचन, फलों का पकना, अंगूर का किण्वन आदि विभिन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण होता है। औषधि भी रासायनिक अभिक्रिया की श्रृंखला का अत्युद उत्पाद होती है। उपयोगी नए पदार्थ जैसे प्लास्टिक, अपमार्जक, डिटर्जेंट को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। वास्तव में प्रत्येक नए पदार्थ की खोज रासायनिक परिवर्तन का अध्ययन करके ही की गई है। हमने देखा कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ निर्मित होते हैं। नए उत्पादों पदार्थ के अतिरिक्त रासायनिक परिवर्तन में निम्न घटनाएं भी हो सकती हैं। ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण, उदाहरण के लिए पराबैंगनी का निमुक्त बाहर निकलना अथवा उनका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना अथवा किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, गैस का बनना। आइए अब हम कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। आपने देखा कि मैग्नीशियम के फीते का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। कोयले, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना भी रासायनिक परिवर्तन है। वास्तव में किसी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है। पटाखे का विस्फोट एक अन्य रासायनिक परिवर्तन है। आप जानते हैं कि ऐसे विस्फोट से ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और अरुचिकर गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। इसलिए आपको पटाखे न जलाने की सलाह दी जाती है। जब भोजन सामग्री बासी हो जाती है अथवा सड़ गल जाती है तो उसमें से दुर्गंध आने लगती है। क्या हम इस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? सुरक्षात्मक आवरण। अपने वायुमंडल में ओजोन की परत के बारे में अवश्य सुना होगा। यह हमें सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन को में परिणत हो जाती है। ऑक्सीजन ओजोन से भिन्न होती है। क्या हम ओजोन के अपघटन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? यदि ओजोन द्वारा पराबैंगनी विकिरण अवशोषित नहीं होती तो वह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर हमें और अन्य जीवों को हानि पहुंचाती। ओजोन इस विकिरण से हमें सुरक्षा प्रदान करने में प्राकृतिक आवरण की तरह कार्य करती है। संभवतः आपने देखा होगा कि यदि सेब काटने के बाद तत्काल ना खाया जाए तो उसके कटे हुए टुकड़े भूरे रंग के हो जाते हैं। यदि आपने रंग में परिवर्तित नहीं हो देखा है तो किसी सेब का एक टुकड़ा काटिए और उसे कुछ देर तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसी प्रकार का क्रियाकलाप आलू अथवा बैंगन के टुकड़े के साथ दोहराइए। ऐसा प्रत्येक स्थिति में रंग परिवर्तन वास्तव में किसी नए पदार्थ अथवा पदार्थ के बनने के कारण होता है। क्या यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है? अध्याय 4 में आप अम्ल सार को परस्पर मिलाकर उदासीन क्रिया था। क्या उदासीनीकरण की अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन है? लोहे पे जंग लगना। आइए हम जंग लगने के घटना पर पुनः विचार करते हैं। यह एक ऐसा परिवर्तन है जो लोहे की
वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे उन्हें नष्ट कर देता है। चूंकि लोहे का उपयोग सेतु, पुल, जहाज, कार, ट्रक आदि का ढांचा बनाने में और अन्य कई वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है, अतः जंग लगने के कारण होने वाली आर्थिक हानि बहुत होती है। जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। लोहे Fe ऑक्सीजन O2 वायु प्लस जल H2O, जंग आयरन ऑक्साइड Fe2O3। जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो अर्थात नमी अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। हम जंग लगने के से रोकथाम कैसे करते हैं? लोहे की वस्तुओं को ऑक्सीजन अथवा जल अथवा दोनों के संपर्क में आने से बचाकर ही ऐसा किया जा सकता है। इसका एक सरल उपाय उन पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना है। वास्तव में लोहे की वस्तुओं पर नियमित रूप से पेंट अथवा ग्रीस की परत चढ़ाते रहना चाहिए जिससे उनमें जंग लगने को रोका जा सके। एक अन्य उपाय लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता जिंक जैसी किसी धातु की परत चढ़ाना है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम जसद लेपन ग्लेवेनाइजेशन कहलाता है। अपने घरों घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले पाइप जसद लेपित होते हैं जिसमें उनमें जंग नहीं लगता है। क्या आप जानते हैं कि पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं? उनका एक भार हमेशा पानी में डूबा रहता है। पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती है। यही नहीं, समुद्र के पानी में अनेक लवण भी पाए जाते हैं। लवण युक्त जल जंग के प्रक्रम की दर को बढ़ा देते हैं, अतः जहाज पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग लगने से काफी क्षति होती है। यदि नहीं, जहाज के लोहे के कुछ भागों को बदल कर प्रतिवर्ष आवश्यकता हो जाता है। क्या आप विश्व में जंग लगने से होने वाली आर्थिक हानि की कल्पना कर सकते हैं? स्टेनलेस स्टील लोहे के में कार्बन, क्रोमियम, निकेल और मैग्नीज जैसे धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जंग नहीं लगती। क्रिस्टलीकरण, कक्षा 6 में आपने पढ़ा था कि साधारण नमक लवण जो समुद्र से वाष्पन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है और उसके क्रिस्टलों के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। तथापि किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल उनके विलयन से प्राप्त किए जा सकते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। किसी पदार्थ के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त करने उसके विलयन से प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सावधानी, केवल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का ही उपयोग करें। जल को उबालते समय सतर्क रहें। क्रियाकलाप 5.9 में अम्ल का उपयोग किया जाना है, अतः इसे शिक्षक की उपस्थिति में किया जाए। किसी बीकर में लगभग 1 कप जल लीजिए और उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाइए। जल को गर्म कीजिए जब तक उबलना प्रारंभ कर दे, तो उसमें धीरे धीरे कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर चलाते हुए मिलाएं। कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना तब तक जारी रखें जब तक कि उसमें और कॉपर सल्फेट घोलना संभव ना हो। विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए, उसे ठंडा होने दीजिए। जब विलयन ठंडा हो जाए रहा हो तो उसमें हिला डुला कर अन्य किसी पदार्थ न छेड़ें। कुछ समय बाद विलयन को देखिए, क्या आप कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल दिखाई देते हैं? यदि नहीं तो कुछ और समय प्रतीक्षा कीजिए। आप भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा। हमने आसपास दिखाई देने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तनों के रूप में पहचानने का प्रयास किया। इसी के साथ हमारा जो अभ्यास पाठ समाप्त हो गया। तो अब देखो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा है। तो देखो, परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक एवं रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। इन परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, ये परिवर्तन उत्क्रमणीय हो सकता है। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। कुछ पदार्थ को क्रिस्टलीकरण के द्वारा उनके विलयनों से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। इसी के साथ हमारा अध्याय नंबर 5 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन समाप्त हो गया। अगले वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।